तो दोस्तों इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत से प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेदों की सूची इस प्रकार है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल, देखिए अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन। अनुच्छेद 125 में है न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में है अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का जो पीठ होता है ना, वो है अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 में है सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 में है सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133 में है सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपीली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 133 में। अनुच्छेद 134 में है उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार। अनुच्छेद 134 ए में है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग। अनुच्छेद 136 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश। अनुच्छेद 137 में है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 138 में है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में है कुछ चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 139 ए में है कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 में है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 में है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 142 में है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना। अनुच्छेद 143 में है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना। अनुच्छेद 145 में अदालत के नियम आदि। अनुच्छेद 146 में है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का खर्च। अनुच्छेद 147 में है व्याख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, हम अपने चैनल में ना मतलब जितने भी तरह के जीके होते हैं ना, सबकी बात करेंगे जीके की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।